नमस्कार दोस्तों, स्वर्णा की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉफी केक। नेक्स्ट वीक क्रिसमस आ रहा है तो केक बनाना तो बनता ही है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा, 1.5 कटोरी मैदा, आधी कटोरी से ज़्यादा पिसी हुई चीनी, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम कोको पाउडर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे और इसको छान लेंगे। इन सब चीज़ों को छानने से जो थिक पार्टिकल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ये देखिए, ये सब निकल गए हैं। अब इसको हल्का सा स्पैचुला से मिला देंगे 200 ml में। इसमें दूध डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 2 or 3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस की डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं मिलाना है, कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए, ना ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा लूज। अब मैं इसमें पचास ग्राम मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर से केक का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बटर हमारा सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालूंगी, मैं इसमें 1 इनो का सैचेट डालूंगी। थोड़ा सा इसमें इसे एक्टिवेट करने के लिए मिल्क डाल रही हूँ। देखिए, मिल्क डालते ही ये कैसे एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और इसको ढक देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम सारे पेस्ट को इसमें डाल देंगे। इसको मैंने गोल्ड टिन लिया था, एल्युमिनियम का है, आप चौरस भी ले सकते हैं। मैंने इसको पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें सारा बैटर डाल दूंगी। इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएं। मैंने बर्तन को पहले ही प्रीहीट कर लिया था। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं और कुकर भी ले सकते हैं।
मैंने इस टिन को भिगोने में सेट कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और 30-35 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे कि ये कैसा बना है। जब तक हमारा केक तैयार होता है तब तक हम कॉफ़ी क्रीम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी ली है और 4 चम्मच शुगर पाउडर। आप वैसे भी चीनी डाल सकते हैं क्रिस्टल्स वाली, लेकिन उसको ज़रा घोलने में टाइम लग जाएगा, इसको घोलने में टाइम नहीं लगेगा। चार चम्मच मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ढक्कन हटा के देखते हैं केक हमारा कैसा बना है। ये केक में थोड़े क्रैक्स पड़ गए हैं, इस मीन्स ये तैयार है। चक्कू भी हमारा एकदम क्लीन निकल रहा है। अब हम इसको बर्तन में से निकाल लेंगे और स्टैंड पर रख देंगे। केक को हमने भिगोने में से निकाल कर स्टैंड पे रख दिया है और चक्कू से साइड में से ऐसे निकाल लिया है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, हल्का टैप करेंगे और इसे टिन को इसमें से हटा देंगे। अभी केक बहुत गर्म है, हम इसका ये बटर पेपर निकाल देते हैं। अब हम केक को प्लेट में रख देते हैं, थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसमें शुगर सिरप भी लगा सकते हैं, मैं इसमें मिक्स फ्रूट जूस लगा रही हूँ। थोड़ा सा इस पे कॉफ़ी का पेस्ट लगा रही हूँ। केक हमारा पूरे तरीके से तैयार है। आप इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग डाल सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स या फ्रूट बॉल्स, चेरीज। मैं इसके ऊपर कलर्ड स्प्रिंकल्स और सिल्वर स्प्रिंकल्स डालूँगी, फिर हम इसको काटेंगे और सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी कॉफ़ी केक बनाने की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।